आज एक नई जिंदगी में हम देखेंगे किस तरह एक नर्स को मिला परेशानियों से लड़ने का हौसला, सीबीएन फाउंडेशन किस तरह मदद कर रहा है बेसहारा लोगों की ताकि उन्हें मिल सके बेहतर जीवन, सुपर बुक के एक खास मस्ती भरे इवेंट में शामिल होंगे, करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय जयते। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि क्या कोई है जो जीवन में आई हुई समस्याओं को झेलने में आपकी मदद कर सकता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन मुश्किलों का सामना हम डटकर करें, पर कभी कभी हमें इन मुश्किलों का सामना बिल्कुल ही अकेले करना पड़ता है। ऐसे में हम टूट सकते हैं, हौसला खो सकते हैं। क्या कोई है जो हमारी इन परिस्थितियों में हमारी मदद कर सके? ललिता के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रही थी। विवाह के बाद ललिता के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेवारियां आ गई। क्या कोई है जो ललिता की मदद कर सकता है ताकि वो इन जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा सके? तो आइए देखते हैं ललिता की ये कहानी जो आपके लिए लेकर आई है हमारी प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस। एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति में ललिता की शादी सुरेश रेड्डी से हुई, पर क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे तो इससे उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होने लगी। साथ ही एक बड़े परिवार की जिम्मेदारियां भी असर डालने लगी। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, मुझे भाभी करके भी नहीं बुलाते थे रिलेटिव्स के वजह से, और आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। ये झगड़े उनके शादीशुदा जीवन पर असर डालने लगे और उनके बीच मतभेद बढ़ने लगा। इतना बड़ा समस्या आया कि हस्बैंड को मेरी कैरेक्टर के ऊपर लोगों ने काफ़ी बातें किया था। वो एक्चुअली ड्रग एडिक्ट बन गए थे। ये सारे बातों से, डिप्रेशन से वो कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। और घर में जो होता था वो सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे और मुझे ये ब्लेम करने लगे कि ये कैरेक्टरलेस है और हस्बैंड को मेडिसिन देते वो उसको बेहोश रख दिए करके। ये लोग सब मिलके फैमिली पूरा एक साइड में होके मुझे अकेले छोड़ दिया था, तब मैं अपने आप को मतलब खत्म करने को कोशिश करती थी। पर ललिता ने अपने बच्चों के लिए जिंदगी जीने का फैसला किया। वो अपनी नींद में रहते थे ज़्यादा टाइम, बच्चों का एडमिशन्स, बच्चों का देखभाल करना, इधर उधर भागना, फिर घर का देखभाल करना, ये सब काम से बर्डन से मैं डिप्रेशन में चले गई थी। डिप्रेशन में जब गई तो इतना ज़्यादा था कि पूरा बॉडी में सोरियासिस हो गया था, अभी भी थोड़ा बहुत दिखता है ये पूरा। इसी डिप्रेशन और पति के शक की वजह से ललिता ने अपनी नर्स की नौकरी छोड़ दी, पर बढ़ती आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने एक जॉब ऑफर के लिए हाँ कर दी। मेरे को अचानक मस्केट के लिए एक मौका मिला था, वहाँ जाके मस्केट में मैं रॉयल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। वहाँ पे कुछ सिस्टर्स और कुछ ब्रदर्स थे, बिलीवर्स थे, और ट्यूसडेज को हम लोग बाइबल स्टडी के लिए बैठते थे। मुझे 34 भजन संगीता में जब दाऊद ने लिखा है कि जब तक मैं चुप था तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर बहुत भारी थी, मैंने जब मुँह खोल के अपने पाप को आपके सामने डाला, पश्चाताप किया, तब मुझे उजाला हुआ और मेरे रास्ता साफ हुआ करके। मैं अपना पूरा जीवन को प्रभु के हाथ में जब तक नहीं दूंगी तब तक प्रभु मेरे जीवन में नहीं काम करेगा, ये बात मुझे वहाँ पे बाइबल स्टडी के और प्रार्थनाओं के बाद मुझे प्रभु ने समझा। और इन चीज़ों से मैं बार बार पढ़ती थी, बार बार रोती थी, प्रार्थना करती थी, तो समर्पण मैं उसी भजन संगीता के ऊपर प्रभु को किया। वहां से लौटने के बाद ललिता मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत हो चुकी थी, पर अब उनके पति को हार्ट प्रॉब्लम हुई, तो ऐसे में प्रभु ने उनके लिए नया कार्य किया। ऐसे वो एक दिन रात को उसने बोला, हमने बहुत कोशिश किया है, इनका इको किया, ये किया, वो किया, हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बाइबल लिया, आइज़या का किताब लिया, 6th चैप्टर लेके पढ़ते हुए इनके साथ बैठी थी। इनको मैं बोलती जा रही थी, मैं प्रेयर कर रही हूँ, जीसस आपको बचाएगा लेकिन आपके पुराना जीवन को ख़त्म करना है,
और नया जीवन में आना है तो आपको जीवन देगा प्रभु। वो धीरे धीरे अपने उंगलियों को हिलाना शुरू किया, वहां से इन्होंने अपना सम कम्प्लीटली लाइफ को चेंज कर लिया। अब ललिता की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और वो प्रभु में खुश है। अब मुझे फ्रीडम मिला कि मैं घर से बाहर निकलो, अब मुझे इतना फ्री मैं फील करती हूँ कि वो कभी ये नहीं बोलते कि आज कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है करके। उनको ये समझ में आ गया कि ये प्रार्थना के अलावा और किसी से मिलने या कहीं पे कोई भी काम करने नहीं जाती है करके। तो ये परमेश्वर ने महत्वपूर्ण काम किया है, उनके जीवन से मेरे जीवन के लिए आशीष बनी है। अभी आपने देखा कि किस तरह ललिता ने परमेश्वर में अपनी मदद को पाया, हौसला पाया और आज वो बहुत खुश है, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभा भी रही है। सच है, जब हम मुश्किल परिस्थिति में गुजरते हैं तो परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तब हम सही रीति से आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। दोस्तों, जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, कई बार हमारे अंदर ये विचार आता है कि पता नहीं परमेश्वर है या नहीं। कई बार हमारे अंदर ये भी विचार आता है कि मैं ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा हूं, बाकी सब तो ठीक है, माय प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और हमें लगता है कि इससे हम आगे कैसे निकल सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र में सारे लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते और परमेश्वर के रास्ते पे चलते, सारे लोग मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं यानी कि सब कुछ हमेशा ठीक ठाक रहेगा, नहीं, कई बार मुश्किलों का सामना हम करते हैं और परमेश्वर ये होने भी देता है। आप शास्त्र में उदाहरण लीजिए, इब्राहिम, कई साल उसे इंतजार करना पड़ा, विश्वास में बढ़ना पड़ा। मूसा, लोग उसके खिलाफ जा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन उसे परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना पड़ा। अय्यूब बहुत संकट का सामना करता है लेकिन परमेश्वर के साथ बना रहता है। हम देखते हैं और भी कई, राजा दाऊद, महान राजा, बहुत नियंत्रण था, सारा राज्य उसके हाथों में है, फिर भी वो कई मुश्किलों का सामना करता है, रो रो कर परमेश्वर के वो करीब आता है। यीशु के शिष्य बहुत सताव का सामना करते हैं। तो शास्त्र बहुत ही सच्ची पुस्तक है। हकीकत है कि मनुष्य मुश्किल का सामना करता है, लेकिन इन सारे उदाहरणों में एक कॉमन फैक्टर है, देयर इज वन थिंग दैट इज देयर विद ऑल दीज पीपल, ये सब परमेश्वर के करीब रहे, ये सब जाने कि सब कुछ खराब होने के बावजूद परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। परिस्थितियां बदल जाती हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, और वचन कहता है कि परमेश्वर इनको संभाल कर रखा, ये परमेश्वर में विश्वास किए और परमेश्वर के साथ बने रहे। दोस्तों, मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि परमेश्वर के करीब आइए, क्योंकि वो एक मददगार परमेश्वर है। आइए इस वचन को हम देखें, भजन संहिता 46:1-2, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर ही हमारा मजबूत गढ़ है, ही इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, इन टाइम ऑफ ट्रबल। जब आप मुसीबत में हो परमेश्वर के पास आइए, वो आपका सहायक है, ही इज विथ यू, वो आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखना उस चट्टान पर अपने घर को बनाने के समान है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, पर वो घर जो परमेश्वर पर बना होता है वो कभी नहीं गिरता, कभी नहीं हिलता। अगर आपने भी ललिता की तरह परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में महसूस किया है तो आप अपनी गवाही हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी गवाही को देखकर हमारे दर्शक और भी प्रेरित हो सके और भी हौसला पा सकें। दोस्तों, अगर आप इस समय मुश्किल का सामना कर रहे हैं, निराश हैं, इसी समय आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि इस समय आप परमेश्वर की ओर से सामर्थ और हिम्मत पा सकें। अभी फ़ोन कीजिए। हम दूसरों को क्षमा करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको लत के चंगुल से निकलने में सहायता करेंगे।
हम आपके वैवाहिक जीवन को बहाल करने में मदद करेंगे। हम आपकी सहायता बीमारियों से जूझने में करेंगे। हम आपको स्वीकार्यता दिलाने में भी मदद करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें 01244286777 पर कॉल करें या 99104010010 पर SMS करें। अब समय है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह CBN फाउंडेशन देश भर में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मेडिकल सहायता दे रहा है और उनकी मदद कर रहा है। इस बिजी लाइफ में हमारे और आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। कभी कभी इस दौरान हम अपने फेवरेट टीवी शो को भी मिस कर देते हैं। अगर आपने अपने फेवरेट टीवी शो एक नई जिंदगी को कभी मिस कर दिया हो तो आप उसे देख सकते हैं। CBN फाउंडेशन के YouTube चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने वक्त पर अपने फेवरेट शो का मजा लीजिए। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक कमी की वजह से बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए ये अपनी कई बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद कर रहा है CBN फाउंडेशन। CBN फाउंडेशन ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त मेडिकल सेवा देकर उनके जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं हमारे इन्हीं सब कामों की एक झलक। सफाई के बारे में सही जानकारी दिए जाने से बीमारियां रोकी जा सकती हैं और बच्चे खुद अपनी देखरेख कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को स्वस्थ रहने से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक से सफाई न करने पर वर्म इन्फेक्शन, कीट संक्रमण और डायरिया हो सकते हैं। ये 5 साल से छोटे बच्चों की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। CBN फाउंडेशन द्वारा संचालित अपना स्वास्थ्य अपने हाथ कार्यक्रम बच्चों को जिंदगी के शुरुआती वर्षों में सफाई से जुड़ी अच्छी आदतें सिखाता है। स्कूलों, गांवों और शहरी मलिन बस्तियों में जागरूकता शिविरों के जरिए बच्चे अपनी अच्छी सेहत के लिए सफाई के महत्व और उसे अमल में लाने के बारे में सीखते हैं। हमारी मदद कीजिए ताकि हम स्वस्थ नागरिकों की एक नई पीढ़ी पैदा कर सके। अभी आपने देखा कि किस तरह CBN फाउंडेशन की मदद से कई गरीब लोगों को निःशुल्क मेडिकल सुविधा मिल रही है और उनका जीवन और बेहतर हो रहा है। सच है रिबेका, हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं, वो क्लिनिक जा भी नहीं सकते हैं, बहुत गरीब हैं। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस तरह के कैंप्स लगा सकते हैं और जो सुविधा उनके पास नहीं है हम वो उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें देखते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा है कि हम इस तरह की सेवा उन तक ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल समीर जी, और अब इन लोगों को अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, पर इन मुफ्त मेडिकल सुविधाओं को प्राप्त करके अपने जीवन को वो और बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर कई ऐसे लोगों का जीवन संवार सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं। हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप आज ही हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ें। हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ने के लिए आप नोट कर सकते हैं हमारे पते की डिटेल्स। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 122009। ऑनलाइन डोनेशंस www.cbn.in। दोस्तों अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपके प्रार्थना निवेदन को हम पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक बहुत ही खास इवेंट की सैर पर आपको ले चलेंगे। वो हो, ये कमाल है, एक अपूर्व यात्रा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। मैं हूँ आदम और मेरा नाम है हवा। इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने? लूसिफर, तूने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। उनकी कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। एक पूरी नई श्रृंखला सुपर बुक। प्रार्थना को
मौका दो। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब समय है कि हम आपके द्वारा भेजे गए प्रार्थना निवेदन पढ़ें और आपके लिए प्रार्थना करें। आइए देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। आज का पहला मैसेज हमें भेज रही हैं परमजीत कौर। परमजीत कहती हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, उनके वैवाहिक जीवन में प्यार नहीं है, उनके पति के साथ बातचीत नहीं है। वो चाहती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम परमजीत के लिए और उसके वैवाहिक जीवन के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। दूसरा मैसेज आया है कोमल का, और कोमल लिखती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत संघर्ष से गुजर रहा है और वो चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। पति के साथ उनका जमता नहीं, पति बड़े कर्ज में भी डूबे हुए हैं और उनका पारिवारिक जीवन बहुत हलचल में है और वो चाहती हैं कि हम प्रार्थना करें। हम आपके लिए भी और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद आप भी अपने वैवाहिक जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, शायद आपका परिवार टूटा हुआ है या कोई भी बड़ी मुसीबत का आप सामना कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर को आप थामे रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। आइए हम प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर की मजबूती को पा सकें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू है। तेरा वचन कहता है कि जो कोई तेरे पास विश्वास के साथ आता है और ये कबूल करता है कि तू है, प्रभु तू प्रशंसा के साथ आशीष देता है। इस समय हम मांगते हैं प्रभु, कोमल के लिए हम मांगते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन को तू मजबूत करेगा। हम मांगते हैं दोनों परिवारों में तेरी आशीष आएगी यीशु मसीह। हम मांगते हैं कि ये जानेंगे कि एक परमेश्वर है, ये हार नहीं मानेंगे प्रभु, ये टूटेंगे नहीं, ये हताश नहीं होंगे, बल्कि प्रभु अपनी परिस्थिति को देखते हुए विश्वास के साथ तेरे पास आएंगे और जानेंगे कि तू प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आ प्रभु, आशीष दे इनके वैवाहिक जीवनों को, प्रभु मजबूत कर, हम मांगते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, हम मांगते हैं कि तू आएगा, तेरे प्रेम से इन परिवारों को तू भर दे प्रभु। हम मांगते हैं कि ये अपने सोच के अनुसार नहीं जिएंगे, बल्कि तेरे पास आएंगे और तेरे अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। और तेरा और प्रभु तेरे अनुसार से चलने का मतलब है प्यार, शांति और आनंद का भरपूर जीवन। हम मांगते हैं तू इन सब की ज़िंदगी में आशीष लेकर आएगा। यीशु मसीह, तेरे नाम से हम ये मांगते हैं, आमेन। आमेन। यीशु में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो, वो आपको मजबूत करेगा। जी हाँ दोस्तों, प्यार, आनंद और शांति हमें परमेश्वर में मिलती है। आइए देखते हैं आज बाइबल का वचन हमें क्या बता रहा है। यूहन्ना 16:22, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को आनंद से भर देते हैं। ये ऐसा आनंद है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। दोस्तों, इस समय हम आपको एक बहुत ही खास और मजेदार इवेंट की सैर पर ले चलेंगे। यहाँ आप देखेंगे किस तरह बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। ये इवेंट की प्रस्तुति आप तक लेकर आई है हमारी प्रोड्यूसर नेहा शाह भोपाल से। आइए देखें। सुपर बुक एक ऐसा कार्टून है जिसने बच्चों के दिलों में खुद पे भरोसा रखने की उम्मीद जगाई है। जहां बच्चों ने इस कार्टून को देखकर मौज मस्ती की, वहीं बड़े बुजुर्गों ने भी इस मनोरंजक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। With God's grace, a small child also can do anything. और परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में लेकर हर काम करना चाहिए। This is the age where they should get the maximum and the best. सुपर बुक का कारवा अब निकला भोपाल की ओर, जहां हमने पाया बच्चों में वही उत्साह और जोश। मुझे इससे मैसेज मिला है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए और हमें सिर्फ अपने जो अपन को टैलेंट मिला है उसे दिखाना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए ऑडियंस और लोगों की वजह से। वो जायंट एडवेंचर में से ये अच्छा लगा, क्योंकि वो दाऊद है, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है और हर चीज़ की डर के सामना करता है और ये नहीं सोचता है कि वो इतना बड़ा है तो मैं हार जाऊंगा, ये सोचता है मेरे साथ ईश्वर है तो मैं किस लिए डरूं। सुपर बुक की कहानियाँ बाइबल पे आधारित हैं और इसका एक ही मकसद है कि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसा सीखें जो उनकी जिंदगी में उनकी मदद करे। दाऊद ने कृष्ण को सिखाया कि हमें जो गिफ्ट मिला है हमें उसको यीशु मसीह के लिए यूज करना चाहिए। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है दाऊद, बहुत अच्छा है, वो बहुत बहादुर है,
वो किसी से डरता नहीं है, उसके ऊपर ईश्वर का छाया है, मैं भी उसके साथ बनना चाहता हूँ। सुपर बुक की इस मुहिम ने बच्चों में इतना आत्मविश्वास भर दिया कि अब उनकी इच्छाएं उभर कर बाहर आने लगी और वो समझने लगे हैं कि उनमें भी कुछ कर दिखाने की बात है। एक छोटी सी कोशिश इस सुपर बुक के द्वारा ना जाने कितने बच्चों को एक खुशी की राह दिखा गई। हम आशा करते हैं कि सुपर बुक के इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह ललिता ने अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों का सामना हिम्मत से किया और उसने ये हिम्मत परमेश्वर से पाई। हमने देखा किस तरह CBN फाउंडेशन देश भर में लोगों की मदद कर रहा है उन्हें निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटीज़ देकर। हम सुपर बुक के एक बहुत ही स्पेशल इवेंट में भी शामिल हुए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया। दोस्तों, कल बुधवार है और कल CBN फाउंडेशन के अनेक कार्यों को हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरह जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है, और हम पार्टनर के साथ भी आपकी मुलाकात कराएंगे ताकि उनके द्वारा आप प्रेरणा पा सके। तो कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने जाना कि परमेश्वर हमें हमारी समस्याओं को झेलने में हमारी मदद करते हैं। अब हमारे जाने का समय आ गया है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई जिंदगी के एक नए एपिसोड के साथ। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप इस मधुर संगीत को सुने, इसका आनंद लें और इसके द्वारा भी परमेश्वर के करीब आए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। समाए तेरी महिमा अनोखी, तू है मेरे जीवन।
तेरी वंदना करते हैं, तेरी वंदना करते हैं, वंदना 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 करते हैं, तेरी वंदना करते हैं, तेरी वंदना करते हैं, वंदना वंदना।